शाहजहांपुर के मदरसा फैज़े आम के अध्यापकों की नियुक्ति पर सवालिया निशान। शाहजहांपुर के एक युवक ने की मंडलायुक्त से जांच कराने की मांग। शाहजहांपुर निवासी मोहम्मद नदीम ने कमिश्नर संयुक्ता समकदार को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया कि जिला शाहजहांपुर स्थित मदरसा फैज़े आम में फर्जी तरीके से नियुक्तियाँ की गई है। मामला ये है कि मदरसा फैजामा एडिट जो मदरसा शाहजहांपुर में है उसमें अवैध तरीके से अनियंत्रित हिसाब से जो नियुक्तियाँ करी हैं उसके विषय में मैंने कई जगहों पर शिकायत करी है और शिकायत करने के बाद भी हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। यहाँ तक के जवाहर भवन 704 रजिस्ट्रार के यहाँ सुनवाई भी चल रही है, उस सुनवाई में भी मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। ये जो अवैध तरीके से नियुक्तियाँ लगाई गई हैं उसके विषय में जो सरकार का नुकसान कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये शिकायत करने आज मंडल आयुक्त कमिश्नर बरेली में आया हूँ। तो साहब अब देखें, अब हमको शायद यहाँ से कुछ न्याय मिले। जो फर्जी नियुक्तियाँ की गई हैं? जी, फर्जी नियुक्तियाँ करी गई हैं जिसके मैंने अधिकारियों को 116 सबूत भी दिए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उसमें नाम है किस किस की नियुक्ति? उसमें नाम है साहब, पूरे नाम है, फर्जी सर्टिफिकेट है। किस किस के हैं तो नाम बताइए। ये नाम आप समझ लीजिए, जैसे रेहान है, उसके बाद बिलाल खान है, साजिद है, और उसके बाद और भी कई एक ऐसे है जिसके बारे में मैं पूरी जानकारी से तकलीफ कर तफसील से नहीं बता सकता। कम से कम पूरे 11 से 13 आदमी की नियुक्ति है, फर्जी नियुक्ति है। फर्जी नियुक्ति है शाहजहांपुर मदरसों में, शाहजहांपुर मदरसा फैज़े आम। तो आज आप किससे शिकायत करने आए? आज हम बरेली मंडल आयुक्त कमिश्नर साहब से शिकायत करने आए हैं कि शायद मेरी कुछ सुनवाई हो जाए। आज मैं 8 महीने से पूरी तरीके से दौड़ रहा हूँ, मुझे कहीं से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं और ना कोई कार्रवाई।